और वो शॉपिंग भी बहुत एक्सपेंसिव चीजों की है। यहाँ पे सभी चीजें ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव ही है। दस हजार की बंदा सोने की अपनी चेन ना बनवा ले। मतलब ये कितने का NNT पंपकिन, कितनी MRP है इसकी? तो गाइस ये है 10,000 की भीड़। निकालो भाई अलग अलग। ये बड़े साइज में भी पड़े अपने पास? सारे साइज में पड़ा, ये इंपोर्टेड है। इसको भी बनाओ यार, इसको भी बनाओ। गाइस हमारे लिए तो पिज्जा आता ही था, अब इनके लिए भी, बच्चों के लिए भी पिज्जा आने लगा है। इसको खोल के देखते हैं क्या है। अरे वाह, लो जी शेर तैयार हो गया हमारा। चीता मोटा चीता नहीं, इतना मोटा चीता नहीं देखा गाइस। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। अभी हम जा रहे हैं हमारी मीमी को लेकर। चलो चली जा। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी मीमी को लेकर पेट हाउस मोहाली में शॉपिंग करने, स्पेशली क्रिसमस की। तो अभी थोड़े दिन रह गए क्रिसमस का, तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं और शॉपिंग की जाए। चलो गाइस फिर निकलते हैं जल्दी से। A few moments later. लो जी गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ पर पेट हाउस में। इससे पहले भी हमने यहाँ पर शॉपिंग की है और वो शॉपिंग भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की है। यहाँ पे सभी चीज़ें ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव ही हैं, बहुत अमीरों की पेट शॉप है। तो आ जाओ अभी एक्सपेंसिव शॉपिंग आज आपको करके दिखाएंगे, वो भी क्रिसमस के लिए स्पेशली। बहुत सारी ड्रेसेस है, लेट्स ट्राई मीमी को क्या आती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग, अगर आपने जसकीरत भाई का देखा होगा, बिजी बॉन्च हो गई, उनका अमेरिकन इम्पोर्ट डॉग है, अमेरिकन बुली, वो भी आया हुआ, उससे मिलवाते हैं। आ जाओ है पेट शॉप। आपने अगर पहले नहीं देखी तो अभी आपको दिख जाएगी। ये हमारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं इधर। तो यहाँ पर ग्रूमिंग्स के लिए बहुत सारे डॉग्स आए हैं, जैसे वो आप देख सकते हो कितना क्यूट है। इसको भाई उस बीगल से मिलना है, बहुत जोर के खींचा है इसने भी मेरे को। मिमी मिमी फोन। तो अभी जो है नीचे जो ग्रूमिंग सेक्शन। हाँ जी हेलो, कैसे हो यार? रिव्यूज गाइस, अगर कोई आता तो यार रिव्यूज देना जरूर। और यहाँ पे मतलब मेरा नाम लिख देना, कमेंट लिख देना, हम इस पे लिख देंगे, मेरा नाम लिख देना यहाँ पे। वाह, तो आज भाई कहाँ है बिजी बॉन, कहाँ है उसको लेकर आओ। ऊपर आ गया, ऊपर बिजी बॉन। लो जी बॉन, ओए कितना प्यारा बेबी है ये, उसको देखो, दोनों के दोनों, वो देखो। तो आप अमेरिकन बुली दोनों ही है, बट आप इनके साइजेस में और इनके कलर में और इनके टेल में बहुत सारा फर्क देख सकते हो। मीमी को देखो, तेरे को क्या हो गया, चल नीचे। अरे नहीं नहीं खुद जाएगी, खुद जाएगी, खुद जाएगी, चल। डर देखो ऐसे रहेगी, पता नहीं क्या है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इधर वॉल चेक कर सकते हो, पीछे ग्रूमिंग सेक्शन है, अंदर ग्रूमिंग चल रही है। और यहाँ पर देखो कितने सारे कपड़े लगा दिए हैं स्टॉक में। तो आप चेक करो एक बार आप, वाह कितने सारे भाई, ऑलमोस्ट यहाँ हजारों की तादाद में तो ड्रेसेस पड़ी होंगी, है ना। सीट भी रख ली है मैंने। अच्छा रख लो बिल्कुल भाई, बहुत सारी ब्रीड है। और यहाँ इधर देखो लीशेस एंड जितने कॉलर्स हैं वो सभी के सभी यहाँ लगा दिए। तो मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ कि हमारे ट्राई सिटी में तो ऐसी पेट शॉप तो नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है, इस पोर्ट्रेट देख के ये नहीं समझ आ रहा कि ये अमेरिकन बुल्ली है या फ्रेंच बुलडॉग है, बिकॉज ये बिल्कुल ड्रिल जैसा लग रहा है। कार इसके खड़े है, शक्ल इसकी, ये भी ऐसी है, ये दिखा रहे। एक मिनट रुको, कंपेयर करो, कंपेरिजन में देख रहे हो, ये भी ऐसी लग रही है। पूरी फटी क्यों पड़ी है इसकी, फटकी भाई डर के मारे। चलो इसको ऐसा लग रहा है कि हम इसकी ग्रूमिंग करवाने वाले हैं, नलाने वाले हैं। ट्राई करें क्या इसको डराएं, इसको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर ग्रूमिंग सेक्शन है, अंदर दूसरा डॉग है भाई, अभी एक्सीडेंट हो जाता है। नीचे और इसको पहनानी पड़ेगी हमारे पे ड्रेस। यार ये तो दूसरी सेंटा क्लॉज वाली नहीं है, हाँ ये क्रिसमस वाली, क्रिसमस वाली, हाँ सेंटा क्लॉज वाली। ड्रिल को बनाएंगे सेंटा,
ये भाई बस लग रही है, नीली वाली बहुत मस्त लग रही है। गाइस ये है 1100 की ड्रेस और मुझे ऐसा लगता है कि वर्थ है, बिकॉज अंदर का जो उसका टेक्सचर है और जो ऊपर का है। बाकी अभी क्रिसमस की वजह से ऑफर जा रहे थे 15%। और वैसे मैं बताऊँ, मेरी मिमी पटरी ये चीज़ें डिजर्व तो करता है, पर इनकी हरकतें ये चीज़ें डिजर्व नहीं करती, क्योंकि ये जाते भी मिट्टी में खेलने के। इनको आदत है कि अगर इनको बाहर घुमाने ले जाओ लोट पोट हो रहा है इनको प्रॉपर। वो देखो गाइस ये कहाँ पर बैठ गए हैं, इनको मजा आ रहा है, इसको भी नहीं चाहिए ट्रिल को आई थी। देखो गाइस ये ड्रेस अगर आप पहचान रहे हो तो ये ड्रिल को आई थी भाई, ये ड्रेस बहुत वायरल हो गई है इस टाइम ना, उस पर प्रॉपर ये भी हरकतों के मामलों में। बस बाबा बस आता है कुछ चीजें बिजी बोन को, बिजी बोन को जो चीज हम ट्राई कराएंगे ऑलमोस्ट उसका सिमिलर साइज हम ड्रिल के लिए भी ले जा सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे बिजी बोन पे। ड्रिल को मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि दोनों को आपको भी पता शैतान कितने हैं, दोनों को संभालना कितना मुश्किल। चलो मिमी के लिए तो भाई अभी वो ड्रेस हमने देखी है, बट हम और भी ऑप्शन अभी देखेंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आपको पता लग जाए कि किस किस टाइप की ड्रेसेस मार्केट में आती है। वो जी बिजी बोन अब बैठ गया ऊपर। ये चेन कितने की आती है भाई, ये जो चेन पाई हुई है 10,000 की, बंदा सोने की अपनी चेन ना बनवा ले। चलो जी अभी ट्राई करा रहे हैं। वो कहाँ है बॉबकैट, कहाँ है बॉबकैट फार्म पे? बॉबकैट नहीं आया आज, आज यही ये सेम ड्रेस भी तो बॉबकैट ने पाई थी। इसका दिल नहीं लगा जहाँ पे ना। अच्छा इसका तो ड्रिल दिल लग जाएगा, इसका सब जगह लग जाएगा। ये लो जी, वाह भाई जच गया यार, ये तो बहुत सही। ये ड्रेस का जो साइज है ना गाइस, ये ऑलमोस्ट आप लगा लो पग जैसी ब्रीड हो गई या फ्रेंच बुलडॉग हो गई, अमेरिकन बुली हो गई, इसके साइज में है। वाह ये बड़े साइज में भी पड़ा अपने पास, सारे साइज में पड़ा, ये इंपोर्टेड है। इसको भी बनाओ यार, इसको भी बनाओ, ऐसा कुछ यार ऐसे मत करो, इसको भी बनाओ। देखो उसको भी जेलसी हो रही है, इसको भी बनाओ, मम्मी को फिर इनके साथ एक फोटो करो, कर दो। सेक्सी लग रहा है गाइस, क्योंकि सेक्सी लग रहा था है मेरा प्यारा बेबी, सेक्सी लग रहा था। लो जी मिमी को भी पहना रहे हैं ड्रेस। अच्छा गाइस ये चीज देखिए आपने, अमेरिकन बुली कितने काम है, जिस किरत पाजी को भी कुछ नहीं कहा मिमी ने, वो मिमी का मुंह निकालो भाई, मेरे को कह के कहां पे जाएगी। अमेरिकन बुली में बैन कर देंगे इसको। इसको फेडरेशन से बाहर निकाल देंगे, इसको देसी कुत्ता करार कर देंगे। नहीं बट आई लव देसी डॉग्स। Yo, busy born. Mimi bit and trill bit and busy born. Oye, jallo. तो गाइज ये देख रहे हो इतनी ज़्यादा, एक तो वराइटीज जो बेड की है ना यार, क्या अमेजिंग वराइटीज़ है बेड की। ये बेड सेक्सी लग रहा है भाई, ऐसा बेड तो साला हमारा भी नहीं होता। तो ये देखो गाइज ये चीज़ भी आप ले सकते हो, यहाँ पर पेट हाउस पे आपको मिल जाएगी किसी भी ब्रीड की स्पेशल भी कस्टम भी करवा सकते हो। वाह गाइस एक चीज मुझे ये भी बहुत सही लगी, ये देखना शेर वाली ड्रेस है, चीता वाली, ये आ जाएगी इसको बिजी बोन को, इनमें से कोई दिखाते हैं, पहना के दिखाते हैं यार बिजी बोन को। हाँ ये भाई साहब यहाँ मॉडल बन सकते हैं। वाह ए ए ए ए ओह माय गॉडनेस, वाह भाई ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा खतरनाक है गाइस, वो देखो नीचे से बन जाएगी। ओए तेरे को भी पहना दे, भीगी बिल्ली है तू। वाह भाई इसके इसके टांगे देखना, इसके मसल्स देखना। लो जी शेर तैयार हो गया हमारा, चीता मोटा, चीता नहीं इतना मोटा, चीता नहीं देखा गाइस मेरे के रूप में, बिजी चीते के रूप में बिजी अमेरिकन गुल्ली। ये भाई गाइस ये ब्रीड ना, ये बस नाम की बुल्ली है। अंदर से तो कुछ और ही है। तो गाइस अभी बारी है इसकी डॉग फूड लेने की। तो गाइस इस शेर को जो है चीते को पिंजरे में बंद कर दिया। हाँ पिंजरे में बंद कर दिया तेरे को। तो यहाँ बिलिंग चल रही है और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए क्या लेकर जाया जाए आज और क्रिसमस के लिए।
तो गाइस अभी बाकी क्रिसमस की ज़्यादा ड्रेसेस अभी यहाँ पर नहीं आई है, बट मे बी एक दो दिन के अंदर और ड्रेसेस आ जाएंगी। मेरे को निकलना नेक्स्ट धर्मशाला के लिए, एक शूट है हमारा वहाँ पे, और उसके बाद वापस आके तो फिर क्रिसमस के टाइम हम दोबारा से कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अभी से ही लाइक ठोक सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। स्टिल वो देखो मिनी बीगल से, मिनी बीगल से मिल रही है ओ भाई। गाइस हमारे लिए तो पिज़्ज़ा आता ही था, अब इनके लिए भी, बच्चों के लिए भी पिज़्ज़ा आने लगा है, इसको खोल के देखते हैं। देख रहे हो बिजनेस चल रहा है, और इसको खोल के देखते हैं क्या है। अरे वाह ये सही है गाइस, ये मैंने अभी लिया है मिमी के लिए, अभी सारा स्टॉक आना है क्रिसमस का, बहुत सारा सामान आना है, बट अभी के लिए फॉर टाइमिंग ये पहनाता हूँ इसको मैं। मीमू को क्या पहनाना है, मीमी एक पहनेगा, इधर आ, अरे कहाँ जा रही है, अरे क्या हुआ, इधर आ, ये पहन, हाँ हाँ, तो ये आओ। अरे ये मस्त लग रहा है भाई, मस्त है हमारी सिंटा। ओए ओए बिजी मोन, नो बिजी बिजी नो। तो लो जी कितनी प्यारी लग रही है मीमू, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी गंदी लग रही है। हमारी डॉग फीड भी खत्म हो गई थी तो इसलिए हम लेके जा रहे हैं NND पंपकिन। मतलब ये कितने का NND पंपकिन, कितनी MRP है इसकी? तो गाइस ये है 10,000 की फीड, निकालो भाई, अलग आपकी तरफ से मुझे गिफ्ट है ये, निकालो आप इसको बाहर, ये पेट हाउस की तरफ से मुझे गिफ्ट मिलती है। नहीं रेट क्यों, 12,000 की 10,000 की है ये, तो एक्सपेंसिव शॉपिंग गाइस इसको कहते हैं, इसे कहते हैं 10,000। आप चाहे मैं कुछ भी ना खाऊं बट इनको तो खिलाना पड़ता है। तो भाई सबको अपनी अपनी थंबनेल की फ़ोटो की टेंशन हो गई है, तो भाई अभी और थोड़ा से लेते हैं ट्रीट्स और उसके बाद हम भी लेते हैं इजाज़त। बाकी आपको मैं फिर से लोकेशन दिखा देता हूँ, ये 10 फेस मोहाली की मार्केट, पंजाब चंडीगढ़ के आसपास, ट्राई सिटी के लोग सब मोहाली को जानते ही हैं। तो ये 10 फेस की मार्केट है और ये हमारा पेट हाउस। तो गाइज ये देखो, ये कैट के लिए छोटी या फिर छोटा, कोई बिल्कुल छोटा डॉग है उसके लिए उसका ये बेड टाइप है, चिवावा टाइप या फिर कई कैट हो उसके लिए सही है। और टॉयज देखना यार, टॉयज एक से एक, ये अभी क्या अश्लील टॉय है। ओ भाई बड़ी गंदी बात है। अच्छा एक गाइस ये बात तो है कि पेट हाउस पे जितनी वैरायटी डॉग फीड की है उतनी बहुत कम लोगों के, मतलब हर टाइप की, बाहर के सारे इंपोर्ट डॉग फूड है और बाहर की बहुत सारी ट्रीट्स है। मिमी कौन सी ट्रीट लेनी है तेरे को बता, आ जा मैं तेरे को ट्रीट दिलवाता हूँ। ये वाली ये लेगी, ये लेनी है, ये वाली लेनी है, बता जल्दी बता, ये अच्छा ये वाली ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये वाली लेनी है, चल ठीक है ये ले। मिमी को ये ट्रीट पसंद आई है गाइस, चलो आओ चलाओ, चलो सच में इसको यही पसंद आई है भाई। तो मिमी ये वाला बिस्किट ले, बोलो ये ले लेना, चलो ठीक है ले लेते हैं। तो भाई इसको भी रखो हमारे ड्रेसेस के साथ। तो गाइस एक चीज़ और जो स्पेशली मतलब बहुत कम लोगों के पास पेट शॉप से आपको मिलेगी वो है ये बर्वेक्टो। बर्वेक्टो बेसिकली आपके डॉग्स को भी, मोस्टली डॉग्स को स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये जो एक मेडिसिन है ये बहुत अमेजिंग फॉर्मुलेशन है, थोड़ी सी लिटल बिट एक्सपेंसिव है बिकॉज एक ही टैबलेट है, बट एक टैबलेट आपके डॉग को बहुत सारी स्किन इन्फेक्शन या इरिटेशन या जैसे बॉडी से मतलब बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं वो चीज़ें बिल्कुल सही कर देगी। मैंने पहले भी मैं डॉग्स को खिलाई है और आज मैं फिर यहाँ से लेके चला हूँ, मुझे मिल नहीं रही थी, बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक थी कुरुक्षेत्रा वाली साइड तो, बाकी पाजी के पास तो मिल रही है। अच्छा बिजी बॉन को भी कर रहे हैं ऊपर ना फंगस, वो मतलब नॉर्मली आ ही जाती है हर डॉग्स को है ना, एक टाइम के बाद डस्ट से आ जाता है, फूड से आ जाता है, बहुत सारे पानी में बैठने से भी आ जाता है, तो ये तो माननी पड़ेगी। तो बाकी ये देखो भाई यहाँ पे सामान की सेटिंग कर रहे हैं और इसको देखो मैं देख लिया मीडियम साइज नहीं है ना, बिजी को हड्डियां निकालने पे लगा हुआ है। ए ए ए ए ए बिजी वो ले गया सारी हड्डियां ले गया भाई, जितनी मर्जी सेटिंग करो वो फिर निकाल रहा है। वो देखो अभी निकालेगा, निकालेगा बिजी क्या कर रहा है तुम्हें, पकड़ लिया मैंने तेरे को, पिट्टी करो मेरी पिट्टी। ओके गाइस सो विद दैट करते हैं आज का ब्लॉग एंड, और ये अमेरिकन बुली के लिए स्पेशल अलग से इन्होंने वो बनवाया हुआ है, मतलब हर ब्रीड के लिए अलग पैकिंग है, ये सही है गुरु। तो हमारी डॉग फीड रखवाओ दोबारा दोबारा से करो, ये देखो अमेरिकन बुली के लिए।
बट ये हमारे अमेरिकन बुली और इस अमेरिकन बुली में बहुत ये उसके फर्क है, उससे लेना देना है इसका, इससे लेना देना नहीं है। ओके गाजी, चलो जी मिलते हैं, बाय बाय करता हूँ।